मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश में आना शुरू हो गया है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक यहां आ चुके हैं और आगे भी उनका आना जाना लगा रहेगा। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आने वाले 13 तारीख को यानी कि 13 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ इंदौर पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या प्रोग्राम है, कब पहुंचेंगे, क्या कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस से, मध्य प्रदेश में हूं आपके साथ रुचिका राज। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 सितंबर को अहिल्या नगरी इंदौर पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ये उनका बहुत बड़ा दौरा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 सितंबर को इंदौर आएंगे। वो देवी अहिल्याबाई होलकर की 228वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि हर साल इंदौर में अहिल्या पालकी यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस बार यानी कि इस साल इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो समिति है उसमें तमाम तैयारियां इस पूरे कार्यक्रम की पूरी कर ली गई है। साथ ही कंफर्मेशन भी दे दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर आने वाले हैं और इसीलिए इंदौर में खास तैयारी अहिल्या पालकी या फिर यूं कहें कि देवकी अहिल्या की पुण्यतिथि को लेकर की जा रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव है, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश में आना काफी माना जा रहा है। माना ये जा रहा है कि चुनाव की दृष्टि से भी इसे काफी कुछ मान सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 13 सितंबर को वो तारीख है जब योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में उनका ये पहला दौरा होगा। विधानसभा चुनाव से पहले देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ के आने का कितना फायदा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि भीड़ और माहौल को योगी तुरंत भांप लेते हैं और अपने पक्ष में बना लेते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।